गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर, जिसका क्या नेम है? लिंग। आज हम क्या करेंगे? आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या करेंगे? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिंग किसे कहते हैं? क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? लिंग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है लिंग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो इसकी क्या करनी है हमको? परिभाषा लिखनी है। क्या होती है? संज्ञा। संज्ञा शब्द के, संज्ञा शब्द के जिस, संज्ञा शब्द के जिस रूप से, रूप से, रूप से उसके पुरुष जाति, पुरुष जाति या स्त्री जाति, या स्त्री जाति का बोध होता है। स्त्री जाति का बोध होता है। क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। लिंग क्या है? संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है, वही क्या होता है? वही लिंग होता है। इसके उदाहरण क्या है? लिंगे लड़का लड़की, गाय बैल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार प्रत्येक के तीन तीन उदाहरण दीजिए। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं लिंग? पुलिंग पुलिंग और स्त्रीलिंग। पुलिंग और स्त्रीलिंग। ओके, तो पहले हम पुलिंग के उदाहरण देखते हैं। पुलिंग के उदाहरण क्या होते हैं? घोड़ा घोड़ा घोड़ा, शेर शेर, मोर मोर, लड़का स्त्रीलिंग क्या होते हैं? घोड़ी शेरनी मोरनी लड़की लड़की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए। शेर में कौन सा लिंग है? शेर कौन से लिंग में आता है? पुल्लिंग। किस में आता है? पुल्लिंग। नदी स्त्रीलिंग।
स्त्रीलिंग, भाई पुल्लिंग, माता स्त्रीलिंग, कवि पुल्लिंग, शेरनी स्त्रीलिंग, छात्र पुल्लिंग, विशुद्धि स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। भील भीलनी, देवर देवरानी, स्त्री पुरुष, मामी मामा, कबूतरी कबूतर, नेक्स्ट पहाड़, पहाड़ का क्या होगा, क्या होगा पहाड़ी, क्या होगा पहाड़ का पहाड़ी। ओके, सेठ, सेठ का सेठानी, क्या होगा अध्यापिका, क्या होगा अध्यापिका, अध्यापक। कवि, कवि का क्या होगा कवित्री, लेखक लेखिका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग छांट कर लिखिए, इनमें से पुल्लिंग कौन से और स्त्रीलिंग कौन से हैं? पुत्र किसमें आता है पुल्लिंग में, माता किसमें आती है स्त्रीलिंग में, पड़ोसिन किसमें आती है स्त्रीलिंग में, गाय किसमें आती है स्त्रीलिंग में, घोड़ा पुल्लिंग, मोरनी स्त्रीलिंग, शेर पुल्लिंग, देवरानी स्त्रीलिंग, चाची स्त्रीलिंग, पंडित पुल्लिंग, राजा पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग, इसमें क्या है निम्नलिखित
निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बताइए, जिस पे रेखा की हुई है उसके क्या बताने हैं, लिंग बताने हैं। धोबी, धोबी क्या है, धोबी पुलिंग है। युवती, युवती क्या है, खाना बना रही है। युवती क्या है, स्त्रीलिंग। राजा पुलिंग। माली, 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 माली बागवानी कर रहा था, कर रहा था, तो क्या ये पुलिंग। छात्रा पढ़ रही थी, ये क्या है, स्त्रीलिंग। बैल चारा खा रहा था, बैल क्या है, पुलिंग। खा रहा था, पुलिंग। अध्यापिका पढ़ा रही थी, अध्यापिका क्या है, स्त्रीलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विशुद्धि का पुलिंग है। विशुद्धि का पुलिंग क्या है, विशुद्धि विद्वान। लड़का में लिंग है, लड़का में कौन सा लिंग है, लड़का में लिंग है पुलिंग। कृष्णा में लिंग है, कृष्णा में लिंग है स्त्रीलिंग। कौन सा है, स्त्रीलिंग। ओके, तो आज हमने क्या किया, आज हमने सेकंड क्वेश्चन के क्वेश्चन, सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए। तो आपको ये क्या करना है, आपको ये अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। क्या करना है, अच्छे से राइट करना है। ओके, और फिर क्या करोगे, इनको अपनी नोटबुक में राइट कर इनको अच्छे से लर्न करोगे। क्या करोगे, लर्न करोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। ओके, इनको अच्छे से लर्न कर लेना और अपनी नोटबुक में अच्छे से ये राइट कर लेना, ये वर्क कर लेना। ओके ओके, थैंक यू बच्चों।